और वही बात छत्तीसगढ़ की, जहां के बीजापुर पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंगलवार को हुए मुठभेड़ में पुलिस के जवानों ने अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। वहीं बीजापुर में कोरचोली के जंगल में मुठभेड़ के बाद अब तक 3 महिला नक्सली समेत कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में इस साल अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कोरचोली और लेंडरा के जंगल में भारी संख्या में गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सली मौजूद हैं, जिसके बाद डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन, इसी के साथ बस्तर बटालियन के जवानों के साथ नक्सलियों की दिन भर मुठभेड़ चली और जवानों ने नक्सलियों के पास से इंसास, एलएमजी और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए थे। बताया ये भी जा रहा था कि मारे गए सभी नक्सली माओवादी संगठन के PLGA के सदस्य हैं, जिनकी गिनती बड़े कैडर के नक्सलियों में होती है। मारे गए नक्सलियों में से कुछ पर लाखों रुपए का इनाम भी घोषित था। तो जो हमारे जो ये हुए कई मल्टीपल एक्शन जो फायर्स हुए, मॉर्निंग लगभग 4:45 के बाद से शाम को 4-5 बजे तक लगभग लगातार फायरिंग होती रही दोनों तरफ से, और इसके बाद जब हमारी सर्चिंग हुई तो हमें 13 शव जो हमने बरामद किए नक्सलियों के। इसमें जो हमें जो अभी जो तक जो हम लोग का प्राइमा फेसी जो पता चला है, इसमें Company 2 जो है उनके मेंबर्स हैं, साथ में जो प्लाटो नंबर 12 है उसके मेंबर्स हैं, बट अभी शिनाख्त की नहीं हो पाई है। जैसे ही शिनाख्त होगी हम बताएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में बीजेपी की सरकार बनी, जिसके बाद से साय सरकार ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी। वहीं नक्सलियों के खिलाफ इस मुठभेड़ को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम साय ने। हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और डबल इंजन की भी सरकार है, और लगातार हम लोग नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, और नए सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं, और सुविधा कैंप के माध्यम से जो संवेदनशील एरिया में लोगों तक जो सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक सड़क बिजली पानी नहीं पहुंच रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, और इस सुविधा कैंप के द्वारा हम लोग वहाँ तक सरकार की इन सारी जो गरीबों की मूलभूत समस्या उसको पहुंचाना चाहते हैं, और इसके लिए नियत निलानार योजना भी हम लोगों ने शुरू किया है, आपका अच्छा गांव, उसके लिए अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है, और इसके माध्यम से ऐसे संवेदनशील इलाके में हर घर में हम सरकार की योजना को पहुंचाना चाहते हैं। तो ताबड़तोड़ एक्शन और हत्या के विरोध में नक्सलियों ने आज बंद का आह्वान किया था। नक्सलियों ने बस संचालन ना करने और व्यापारियों को संस्थान ना खोलने की चेतावनी भी दी थी, जिससे यात्रियों की परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़े, उनकी परेशानी बढ़ जाए, लेकिन बीजापुर में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है और जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, आवागमन भी जारी है। वहीं कल पुलिस ने भी व्यापारियों की बैठक लेकर दुकानें खोलने की अपील की थी, जिसकी वजह से बीजापुर में नक्सल बंद पूरी तरह से फेल नजर आया है।